गुड मॉर्निंग। आइए आज हम सेलोलिन पर देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन, जो एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में हर एक सेट में एक से दो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम इसका इजी वे सॉल्यूशन देखते हैं सेलोलिन का। जैसे कि हम आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं, उस क्वेश्चन को क्वेश्चन के आधार पर किस तरह से उसको हल करेंगे। आइए एक क्वेश्चन उठाते हैं हम एक एनटीपीसी सेट का। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसका कथन दिया हुआ है और उसके चार निष्कर्ष दिए हुए हैं। आपको बताना है इन चारों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है। जैसे कि पहला है कुछ पेन बिल्लियां हैं, तो कुछ पेन बिल्लियां, इसमें पेन और बिल्ली का दिया हुआ कुछ पेन, यानी हम एक ये ऐसा बनाते हैं, इसमें हम मान लिया है कि ये पेन का हिस्सा है, ये टोटल पेन, या इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अब कह रहा है कुछ पेन बिल्लियां हैं, यानी बिल्ली बिल्ली कुछ पेन बिल्लियां हैं, तो यहाँ पे ये बिल्लियां हैं, कुछ पेन बिल्लियां हैं। और अब कह रहा है सभी बिल्लियां बस हैं, यानी सभी बिल्लियां हैं, सभी बिल्ली का मतलब ये इसका जो टोटल एरिया है, यानी यहाँ से ये पूरा, ये जो बिल्ली का जितना हिस्सा था उसमें सभी बिल्लियां बस, तो सभी बिल्ली बस हैं। यानी आपका जो कथन दिया था, कथन के अनुसार हमने एक फिगर बनाया, और ये फिगर बनाने के बाद इसका जो निष्कर्ष है, अब उस निष्कर्ष पर हम चर्चा करें। सभी बसें बिल्ली हैं, तो बस यानी सभी बस, यानी बस ये जो है इसका पूरा हिस्सा, ये सब यहाँ तक ये है बस, तो सभी बस बिल्लियाँ हैं, और बिल्ली बिल्ली जो है हमारा आधा हिस्से पे ही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इसका पहला निष्कर्ष जो दिया हुआ है ये रॉन्ग है। क्यों? तो ये इसका जो ये वाला भाग जो है ये बिल्ली के क्षेत्र में नहीं है, बिल्ली इतना ही है, बिल्ली जो है ये यहाँ तक ही है और बस यहाँ आगे भी। अगला है दूसरा, कुछ बसें बिल्लियाँ हैं, इसका दूसरा निष्कर्ष है कुछ बसें बिल्ली, यानी कुछ बस, यानी इसमें भी तो बस है, इस भाग में भी बस है, तो कुछ बसें बिल्ली हैं, यानी कुछ बस बिल्ली है, ये राइट। अगला कह रहा है कोई भी बस पेन नहीं है, तो जब नहीं का जिक्र रहे निष्कर्ष में, जब कथन में, जब कथन में निगेटिव ना हो, तो निगेटिव निष्कर्ष गलत हो। जब कथन में निगेटिव ना दिया हुआ है तो इसका निष्कर्ष में निगेटिव है, वो रॉन्ग होगा, यानी कोई भी बस पेन नहीं है। तीसरा, कोई भी बस पेन नहीं है, यानी फोर्थ। अब इसका चौथा, सभी बसें पेन हैं, सभी बस यानी सभी बस, यानी बस का जो क्षेत्र, ये क्षेत्र है, कुछ बस का क्षेत्र हो सकता है पेन, लेकिन सभी बस पेन, ये गलत यानी इसका आंसर ऑप्शन, इसमें ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन इसका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा केवल निष्कर्ष दो सही है, और इसका आंसर केवल दो, कुछ बसें बिल्लियां हैं, वही केवल सही होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला इसी ईयर का पूछा हुआ है, 2016 में एग्जाम हुआ था और 18 अप्रैल का थर्ड शिफ्ट का।
अगला इसका है सभी सितारे ग्रह, इसमें भी दिया हुआ सभी सितारे ग्रह, यानी ये सभी सितारे, मान लीजिए कि ये सितारा, कह रहा सभी सितारे ग्रह हैं, यानी ये सितारा का हम टोटल हिस्सा लेंगे और ये इसको लिख देंगे ग्रह, सभी सितारे ग्रह हैं। ये मेरा कथन का पहला वाक्य है, उसको हम इस तरह से फिगर में बनाएं। अब सकरा सभी ग्रह चांद है, यानी ग्रह का टोटल हिस्सा, यानी सभी ग्रह, सभी ग्रह चांद। अब इसके निष्कर्ष में आते हैं, निष्कर्ष कर रहा है पहला सभी चांद ग्रह, सभी चांद ग्रह। अब देखिए यहाँ से ये चांद और ये ग्रह, सभी चांद ग्रह, देखिए यहाँ पे सभी चांद, ये वाला हिस्सा जो है ये चांद ग्रह है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, ये तो चांद अलग है ना, इसका ये भाग ग्रह में आता है नौ सितारा में, इसलिए इसका पहला ऑप्शन गलत। अब दूसरा ऑप्शन जाता है कुछ ग्रह सितारे हैं, कुछ ग्रह सितारे हैं, यानी ग्रह, हमारा ग्रह ये और सितारा, तो ग्रह और सितारा में अब यहाँ हमको देखने हैं, चांद में नहीं देख, ग्रह और सितारा, कुछ ग्रह सितारे हैं, ग्रह और सितारा, यानी ये जो ग्रह है इसमें भी ग्रह और ये भी ग्रह, यानी इसका कुछ हिस्सा है इसमें ग्रह का, इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन इसका सही है, कुछ ग्रह सितारे हैं। अब अगला तीसरा ऑप्शन का, तीसरा कह रहा है कुछ चांद सितारे हैं, यानी कुछ चांद सितारे, यानी चांद और सितारा में हमको देखें, कुछ चांद, चांद इसमें भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है मौजूद, तो कुछ चांद सितारे, यानी यहाँ भी चांद है, यानी इसका तीसरा ऑप्शन भी सही है। और कह रहा सभी ग्रह सितारे, सभी ग्रह सितारे, यानी ये वाला जो है पार्ट, ग्रह का ये पार्ट सितारा नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन फोर रॉन्ग, क्योंकि अब यहाँ पे आते, अब यही कह सकता था यहाँ कि सभी सितारे ग्रह, यहाँ से हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या निकल जाएगा, यहाँ दो और तीन सही है, दो और तीन सही है। अब आते हैं इस पे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या है इसमें कि सभी सितारे ग्रह, अगर यह दिया हुआ रहता निष्कर्ष में तो सभी सितारे ग्रह, यानी सितारा का ये हिस्सा टोटल है ये ग्रह में है, तो कहेंगे हाँ ये ग्रह में तो है, इसलिए यह ऑप्शन सही हो जाए। अगला यदि कहता है इसमें कुछ ग्रह चांद, अगर ऐसा रहा तो ग्रह और चांद, यानी चांद जो है चांद के अंदर में ग्रह भी है और सितारा भी है दोनों, तो हम कह सकते हैं कुछ सितारे भी चांद है, कुछ ग्रह भी चांद, यानी कुछ ग्रह चांद है, ये कहना हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम देखते हैं एनटीपीसी के सवालों को एकदम आसान वे में हम समझ सकते हैं।